बात सबसे सनसनीखेज सुशांत केस की उस कड़ी की जिसमें सामने आया है ड्रग्स का नया खेल। बॉलीवुड की पार्टियों पर उठ रहे हैं कई सवाल। यही वजह है कि आज तीसरे दिन रिया से मैराथन पूछताछ भी कल, और सवालों के समंदर में रिया चक्रवर्ती फंसी हुई नजर आई और आज भी उनसे पूछताछ की जाएगी। यही वो चेहरा है जिसकी वजह से सुशांत केस में पहली बार ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ। पहली बार पता चला कि रिया के ड्रग्स डीलर से भी रिश्ते हैं। ये वही गौरव आर्या है जिससे रिया ने बातचीत की थी। गौरव आर्या मुंबई पहुंच चुका है और कल सीबीआई के सवालों से उसका सामना होगा। गौरव आर्या रिया का कौन सा राज खोलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या का एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से सामना हुआ। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 8 मार्च 2017 का रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए जिसमें वो गौरव आर्या से ड्रग्स डीलिंग की बात कर रही थी। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है। सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। क्या तुमने MD ट्राई किया है? मैं निकल आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। बाहर आओ, मुझे कार से मैसेज करो। हाँ, करती हूँ। रिया के इसी चैट के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन का खुलासा हुआ। CBI की जांच और पूछताछ में ड्रग्स भी आ गया। कल जब दूसरे दिन रिया CBI के सवालों को सामना कर रही थी तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर रिया से कई सवाल पूछे गए। CBI ने रिया से पूछा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? सुशांत को ड्रग्स कौन देता था? सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं? क्या सुशांत का स्टाफ भी ड्रग्स लेता था? सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था? पार्टी में ड्रग्स कौन कौन लेता था? ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद नार्कोटिक्स विभाग भी एक्टिव हो गया। NCB ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जब टीम मुंबई पहुंची तो मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक माफिया ड्रग्स को नष्ट करने में जुट गए। ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है, ड्रग्स को चलाया जा रहा है। ड्रग्स डीलर अब्बास और किरण गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों बॉलीवुड में BDA ड्रग की सप्लाई करते हैं जो काफी महंगा है, जिसके 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपए है।